नमस्कार, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और आज हम एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे और 10, 11, 12 और इस एक्सरसाइज को आज खत्म कर देंगे। तो आज हमारा जो 9th का सर्कल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो ये प्लेलिस्ट जिसमें हमने सर्कल की फुल वीडियो अपलोड की है तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स जो 9th क्लास में हैं उनके साथ ही आप शेयर कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका सॉल्यूशन और इजी लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन है जो पूरे सर्कल चैप्टर का क्लास 9th का पहुँच चुके। तो क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट बी एंड सी। टू सर्कल, एक तो ये सर्कल हो गया और एक ये वाला सर्कल हो गया, ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी पॉइंट पर और सी पॉइंट पर। थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट ए बी डी, बी से होता हुआ दो लाइन बनाई गई है, एक तो ए बी डी, ए बी डी, ये ए बी डी क्या एक लाइन है। इसी तरीके से पी बी क्यू, पी बी क्यू भी एक लाइन है। आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए डी पी क्यू, और ये सर्कल को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ए पर, डी पर, पी पर, क्यू पर रिस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, एंगल ए सी पी, ए सी पी कौन सा एंगल हुआ ए सी पी हमारा। देखिए ये ए सी पी यानी कि ये जो एंगल है और इक्वल करना है क्यू सी डी के, क्यू सी डी के इस एंगल के इक्वल करना है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन हमें कुछ भी नहीं करनी है इसमें, डायरेक्ट करेंगे प्रूफ। तो देखिए गिवन हमें क्या है, टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट टू पॉइंट बी एंड सी। प्रूव क्या करना है कि जो एंगल ए सी पी है वो इक्वल है एंगल क्यू सी टी के। तो देखिए प्रूफ स्टार्ट करने से पहले एक बार वर्बली हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए जो हमारा एंगल ए सी पी यानी कि जो मैंने रेड कलर से मार्क कर रखा है, ये वाला एंगल हमें इस एंगल के इक्वल करना है इधर किसके, डी सी क्यू के या फिर क्यू सी डी के। तो देखिए सबसे पहले जिस एंगल को हम, जो एंगल ए सी पी है इसको हम पी बी ए के इक्वल लिख सकते हैं। पी बी ए कौन सा एंगल है हमारा, ये वाला। कैसे, क्योंकि देखो पी ए क्या एक आर्क है, इसी आर्क से ये एंगल बना और इसी आर्क से ये एंगल बना है, तो एंगल फ्रॉम सेम आर्क। ठीक है, तो इसको एंगल 1 2, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब देखिएगा ये 2 3 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, 2 3 के इक्वल हो गया। अब देखें यहां से हम 1 2 के इक्वल कर दिया, 2 3 के इक्वल कर दिया। अब देखिए 3 है जो 4 के, ये 4 है हमारा, इसके इक्वल होगा। कैसे, क्योंकि देखिए डी क्यू आर्क है, इससे ये एंगल बन गया और डी क्यू आर्क से ये एंगल बन गया, तो दोनों सेम आर्क से बन रहे हैं डी क्यू से, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अब देखिए मैंने 1 को पहले 2 के इक्वल किया, 2 को 3 के और 3 को 4 के, तो देखा जाएगा तो 1 4 के इक्वल हो चुका है। ठीक है, अभी इसको हम कैसे हम लिखेंगे इसको वो पढ़ते हैं। तो देखिए एंगल 1 है जो एंगल 2 के इक्वल होगा एंगल फ्रॉम सेम आर्क एपी या फिर पीए जो भी है हमारी, ये वाली आर्क, इस आर्क से ये एंगल और इस आर्क से ये एंगल, हो गया ये इक्वेशन हो गई 1। इसी तरीके से एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, 3 लाइन का क्वेश्चन है पूरा, 2 3 के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, ये एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया, एंगल फ्रॉम सेम आर्क डी क्यू, ये इक्वेशन 2 थी, ये इक्वेशन 3 थी। अब देखिए फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या लिख सकते हैं, 1 2 के इक्वल है 2 3 के, 3 4 के, तो 1 4 के इक्वल हो चुका है क्या, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखेंगे फ्रॉम
इक्वेशन वन टू एंड थ्री। तो क्या हो गया इससे, एंगल वन इक्वल टू एंगल टू है और टू थ्री के इक्वल है और थ्री फोर के इक्वल है, देयर फोर एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर। और एंगल वन फोर क्या था हमारा, एंगल ए सी पी, और एंगल फोर क्या था हमारा, क्यू सी टी। हेंस प्रूव। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, और इसको हम अगर एमसीक्यू में आता है तो डायरेक्ट जैसे वर्बली किया है वैसे ही कर सकते हैं, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मुश्किल से आपकी आधी सेकंड लगेगी, आधी मिनट लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर एमसीक्यू में आता है तो। अभी तक तो जिस तरीके से कोरोना वायरस बढ़ रहा है तो लगता है कि एमसीक्यू में भी हो सकता है आपका पेपर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, इफ द सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एज ए डायमीटर, मींस दो सर्कल के जो टू साइड्स हैं उनको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है। तो देखिए ये टू साइड्स बना दी मैंने, इनको डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ करना है। ये तो ये वाला सर्कल हो गया, इधर वाला सर्कल, तो देखिए थोड़ा सा तिरछा सा सर्कल बना है। अब देखिए अब हमें प्रूफ क्या करना है, ये देखिए हमने यहां पे थर्ड साइड बन गई, ये ट्रायंगल बन गया हमारा ए बी सी, और जिस पॉइंट पर ये ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है और यहां पर जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसको हमने डी मान लिया, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, हमें प्रूफ ये करना है कि जो ये एक पॉइंट पर तो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनका जो दूसरा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, मींस एक पॉइंट तो ऊपर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा पॉइंट होगा वो थर्ड साइड पे लाई करेगा। लेकिन देखो अभी मैंने फिगर में तो थोड़ा सा ऊपर बनाया है, तो मैंने समझाने के लिए बनाया कि अगर अलग होगा तो हम कैसे प्रूफ करेंगे। देखो ये हमने डी पॉइंट मान लिया, तो ये देखिए यहां से ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दिया मैंने, और क्या ज्वाइन करेंगे, देखिए ये डायमीटर, ये इस सर्कल का डायमीटर है, ये इस सर्कल का डायमीटर है। अब मैं यहां पर ए को डी से भी ज्वाइन कर देता हूं, ठीक है। तो अब फिगर आपको समझ में आ गई ना, तो प्रूफ हमें क्या करना है कि जो ये डी पॉइंट है बी सी लाइन पर लाई करता है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं, फिर हम अपना टू प्रूफ लिखेंगे। फिर उसके बाद हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो देखिएगा गिवन क्या है, हमें टू सर्कल ड्रॉ किए गए हैं, ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स एज ए डायमीटर। ट्राइंगल की दो साइड्स को डायमीटर मान के दो सर्कल ड्रॉ किए हैं। प्रूफ क्या करना है कि डी लाई ऑन बी सी, कि ये डी पॉइंट बी सी पर लाई करेगा। देखिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले देखो ये ए डी सी ए डी बी जो ये एंगल बन रहा है ये 90 होगा। एंगल ए डी बी इक्वल टू 90, क्यों होगा 90, क्योंकि देखिए ये क्या है, इसका डायमीटर है, डायमीटर से ये कहां पे बन रहा है, इस सर्कल के सर्कमफेरेंस से बन रहा है। डायमीटर से जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है वो क्या होता है, हमेशा 90 होता है। एंगल फ्रॉम, क्योंकि क्यों हो गई, देखिए ए बी एक आर्क है, इससे सेंटर पे जो एंगल बन रहा है, मान लो ये इसका सेंटर है तो वो कितना बन रहा है 180, तो सर्कमफेरेंस पे इसका हाफ बनता है 90 हो गया। एंगल फ्रॉम डायमीटर, कौन से डायमीटर से है ये बताना पड़ेगा हमें, ए बी डायमीटर से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट। इसी तरीके से एंगल जो ये होगा ए डी सी, ये वाला एंगल ये भी 90 होगा, ये इस ए सी डायमीटर से है। एंगल ए टी सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल फ्रॉम डायमीटर ए सी,
जिस सर्कल का ए सी डायमीटर है उस सर्कल का ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल है, तो ये 90 हो जाएगा। ये इक्वेशन हमारी वन थी, ये इक्वेशन हमारी टू थी। ऐड करते हैं दोनों इक्वेशंस को, ऐड इक्वेशन वन एंड टू, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ए डी बी प्लस ए डी सी, इधर तो ये हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, 90 प्लस 90, ए डी बी प्लस ए डी सी, क्या एंगल बन जाएगा, बी डी सी एंगल बन जाएगा, एंगल बी डी सी एंगल बन जाएगा। 90 प्लस 90 180 हो गया, बी डी सी 180, यानी कि ये पूरा 180 है। और 180 कब हो सकता है, जब ये स्ट्रेट लाइन हो, ठीक है। बी डी सी इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन डी लाई ऑन बी सी, कब पॉसिबल हो सकता है, जब डी लाई करता हो बी सी पर, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, बहुत ही इजी तरीके से आपको कराया गया है, तो आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ए बी सी एंड ए डी सी आर द टू राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। ए बी सी और ए डी सी दो राइट एंगल ट्रायंगल है जिनका हाइपोटेनस कॉमन है ए सी। ये मैंने हाइपोटेनस बना दिया ए सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये देखिए, ये 90 हो गया, ए बी सी, और ये डी ए डी सी, ये भी 90 है। तो ये हाइपोटेनस हो गया, 90 के सामने वाला ही तो हाइपोटेनस होता है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, एंगल सी ए डी, सी ए डी इक्वल करना है सी बी डी के, तो उसके लिए हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूफ क्या करना है, सी ए डी, सी ए डी ये एंगल इक्वल करना है किसके, सी बी डी के, इस एंगल के इक्वल करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसे साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूफ करेंगे। साइक्लिक क्वाड्रेटल क्यों करेंगे, क्योंकि अगर एक बार ये साइक्लिक क्वाड्रेटल हो गया तो क्या होगा, ये हो जाएगा उसका कोड, और कोड हो गया तो कोड से यहां पर एंगल बन रहा है और यहां पर एंगल बन रहा है, तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूफ करेंगे। क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटल करना ही पड़ेगा हमें, ऐसे बगैर साइक्लिक क्वाड्रेटल प्रूफ किए बगैर ये क्वेश्चन नहीं हो सकता। तो देखिए, गिवन क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी आर राइट एंगल ट्रायंगल विद कॉमन हाइपोटेनस ए सी। हाइपोटेनस ठीक है। टू प्रूव क्या करना है, एंगल सी ए डी इक्वल करना है हमें एंगल सी बी डी के। तो देखिए, एंगल बी कितना है, 90, एंगल डी कितना है, 90। एंगल, अब देखिए पहले हम लिख लेते हैं, इन क्वाड्रेटर बन गया ये एक, ए बी सी डी, इसमें एंगल बी प्लस एंगल डी। साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये कंडीशन होती है, आमने सामने वाले एंगल का सम 180 होना चाहिए, किन्हीं भी दो एंगल का सम, क्वाड्रेटर के आमने सामने, क्वाड्रेटर के किन्हीं भी अपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 है तो वो साइक्लिक हो जाता है। अब देखिए, ये हमें प्रूफ करना है, एंगल बी प्लस डी, एंगल बी कितना है, 90, डी कितना है, 90, ये कितना हो गया, 90 प्लस 90 180 हो गया, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 हो गया, ठीक है, 180 हो गया। इसको समझ में आ गया ये बात, इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिख दो, इन क्वाड्रेटल ए बी सी डी
है जो हमारे पास, इसमें एंगल ए, एंगल जो बी है हमारा वो है 90, ये इक्वेशन वन हो गई। एंगल डी है वो भी है 90, गिवन है हमारे पास ये सब चीजें, दोनों चीजें क्या हैं, गिवन है। अब क्या करो, ऐड कर दो इनको, इस तरीके से करना तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम, वन एंड टू। तो इधर हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 90 प्लस 90, ये हो गया 180। तो अपोजिट एंगल का सम 180 हो गया, तो देयर फोर ए बी सी डी जे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया, तो इसका मतलब ये चारों जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की वर्टिक्सिस हैं ए बी सी डी। तो उस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में सी डी क्या होगा, कोड होगा, कोड ऑफ साइक्लिक। ठीक है, या फिर सी डी जो होगी यहाँ से जो ऐसे बनेगी वो क्या होगी हमारी, आप जैसे बना ही देता हूँ मैं, जैसे मैंने ये एक सर्कल बना दिया, इसमें देखिए ये सी डी जो आर्क है इससे एंगल बन रहा है ये वाला, और उसी से एंगल बन रहा है ये वाला। ठीक है, सी डी जो है कोड ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इससे जो एंगल बनने वाला होगा, यानी कि जो एंगल होगा हमारा सी ए डी इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, क्यों, क्योंकि एंगल फ्रॉम सेम आर्क, या फिर थ्योरम 10.8 क्या होगा, तो कौन सी आर्क है सेम, सी डी से। तो यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव। तो बहुत ही सिंपल आपको तरीके से समझाया गया है क्वेश्चन, और इस तरीके से भी समझाया गया है कि अगर ये आपके एमसीक्यू में आता है तो कैसे करना है। ठीक है, तो वर्बली आपको पहले समझाया गया है क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, इसमें बोला गया है प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है हमारे पास, पैरेललोग्राम है साइक्लिक, पैरेललोग्राम में क्या होता है ये सब कुछ आपको पता ही होगा। देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो ये पैरेललोग्राम है, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इसमें क्या होगा ए बी इसके इक्वल भी होगा सी डी के, और पैरेलल भी होगा बी सी, इसी तरीके से होगा। हमें इसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में मेजर डिफरेंस यही होता है। वैसे हम रेक्टेंगल को भी एक पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, क्योंकि रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन अगर पैरेललोग्राम है और उसको रेक्टेंगल प्रूफ करना है तो अपोजिट साइड्स तो रेक्टेंगल में भी इक्वल होती हैं, लेकिन कॉर्नर के एंगल 90 होते हैं। बस हमें ये प्रूफ करना है कि इसके कॉर्नर के जो एंगल है वो 90 है। अगर हमने एक बार ये कर दिया तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो देखिए एक बार गिवन लिख लेते हैं, टू प्रूव क्या करना है हमें वो लिख लेते हैं, कमेंट बॉक्स सेक्शन में ये जरूर बताइएगा इसके बाद कौन सा चैप्टर है जो स्टार्ट करना है, जो आपको एग्जाम से रिलेटेड है, टिपिकल लगता है, क्योंकि अभी सारे चैप्टर कराना तो बहुत ही कम समय बचा है एग्जाम्स के लिए, तो चैप्टर बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में। तो देखिए क्वेश्चन पे आते हैं वापस, गिवन क्या है, ए बी सी डी जे साइक्लिक पैरेललोग्राम, प्रूव क्या करना है, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल प्रूव करना है इसे में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव, देखिए आपको पता है पैरेललोग्राम में जो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, बी एंगल है जो डी के इक्वल होगा। ठीक है, और हमें पता है साइक्लिक क्वाड्रेटर में क्या होता है, अपोजिट एंगल का सम 180 होता है, बस ये दो मेथड लगाएंगे और क्वेश्चन खत्म। तो देखिए इन क्वाड्रिलेटरल या फिर पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये जो है हमारे पास इसमें क्या होगा, एंगल बी है जो एंगल डी के इक्वल होगा, क्यों इक्वल होगा, बिकॉज ए बी सी डी जे पैरेललोग्राम, ये हमें गिवन है, जो भी है साइक्लिक है जो भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, एंड क्या होगा,
और जो एंगल बी प्लस एंगल डी जो होगा वो क्या होगा, 180 होगा। ये क्यों होगा? क्योंकि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रेटर भी तो है ये, साइक्लिक क्वाड्रेटर दोनों का सम 180 होगा। अब देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे डी है, दोनों के हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। जैसे एंगल बी एच डी जी रखा, डी की जगह हमने बी लिख दिया इस यहाँ से, ये इक्वेशन वन थी, यहाँ पे लिख दिया मैंने बी 180, यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम वन, फ्रॉम इक्वेशन वन लिखा है मैंने, तो ट्वाइस ऑफ एंगल बी इक्वल टू 180, एंगल बी इक्वल टू 180 बाई टू यानी कि 90 डिग्री। एंगल बी क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, और एंगल एंगल बी 90 है तो एंगल डी भी 90 हो गया, दो एंगल 90 हो गए, बी और डी 90 हो गए। ठीक है, अभी हमें ये दोनों भी 90 प्रूफ करने हैं। तो देखो एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है, एंगल ए और डी इसका सम क्या होगा, 180 होगा, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है, पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल हो गई, तो क्यों, को इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है। एंगल ए हमारा, डी हमारा आ चुका है 90, तो एंगल ए कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, एंगल ए हो गया हमारा 90, एंगल ए हो गया 90, तो एंगल सी भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 90, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल। तो देखिए ये इक्वेशन टू थी और ये इक्वेशन है थ्री, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड एंगल वन टू एंगल थ्री और एंगल फोर सभी के आ गए 90 आ गए। ठीक है, देयर फोर ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, क्योंकि अपोजिट साइड्स तो पहले से इक्वल थी, क्योंकि वो क्या था, एक पैरेललोग्राम था। तो यहाँ पे यार आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल खत्म हो गई है और सर्कल भी खत्म हो गया है 10th चैप्टर का। अगर किसी स्कूल में मिसलेनियस कराई गई हो तो वो भी आप बता सकते हैं, तो मिसलेनियस के भी क्वेश्चन करा दिए जाएंगे। तो कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों